गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है कश्मीर और ये है कश्मीर का लोकल कहवा और यहाँ की लोकल ब्रेड विद बटर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारी दूसरी सुबह और हम हैं अभी श्रीनगर में। ट्रकों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत परेशान हुआ। अदरवाइज रोड्स बहुत अच्छी हैं, रोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, बस लोड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ट्रकों का। चलिए, ये तो हुई कल की बात। तो आज हमारा क्या प्लान है? आज हमारा प्लान कश्मीर का, जितना लोकल हमारा यहाँ पे गार्डन्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो आज हम वो कवर करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे लेह के लिए। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून। दिस इज नॉट ओनली फॉर लद्दाख बट फॉर एवरी हिल स्टेशन। अगर आप मॉर्निंग में साइट सीन के लिए या फिर आगे जाने के लिए, जैसे कि हमें अब लद्दाख जाना है, तो जो रास्ते में आता जा रहा है वो हम कवर अप करते जा रहे हैं। उसके लिए है कि आप प्लीज़ सुबह अर्ली निकलें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलें। हम ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाए, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। तो ज़्यादा रास्ता हमारा कवर हो सकता था मगर हम नहीं कर पाए। और वैसे भी जब हमें गार्डन्स वगैरह जाना होता था मॉर्निंग टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। अभी बज चुके हैं दोपहर के लगभग 2 और बहुत तेज़ धूप थी, मगर गए थे हम लोग। और आप साइड में जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये है बेहद प्यारी सी डल लेक। और इस रोड को कहा जाता है मरीन ड्राइव, जो कि बिल्कुल मरीन ड्राइव जैसा लगता है। मुगल गार्डन या निशान बाग में एंट्री करने से पहले हमें लेना होता है एक 24 रुपए का टिकट इफ़ यू आर अ इंडियन सिटीज़न। तो बाहर ही आपको दिख जाएंगे कुछ लोकल मार्केट्स, कुछ लोकल स्टॉल्स, तो यहाँ से सामान लेना मत भूलिएगा, बिकॉज़ ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं एंड वी शुड ऑलवेज़ हेल्प दिस काइंड ऑफ पीपल। तो चलते हैं अब अंदर की साइड। तो जब आप अंदर जाएंगे तो ये पार्क काफ़ी बड़ा है। अंदर आपको छोटी मोटी खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, मगर आपको प्रॉपर खाना चाहिए तो वो तो अंदर नहीं मिलेगा। तो आप बाहर से पैक करा के ले जा सकते हैं, बाहर काफ़ी दुकानें हैं। वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो खेलने की चीज़ें, खेलने की बॉल्स वगैरह आप ले जा सकते हैं अंदर। तो ये चीज़ें आपको अलाउड होती हैं ले जाना। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो नहीं अलाउड हैं, वेपन्स, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, ये सारी चीज़ें शायद कहीं भी अलाउड नहीं होती हैं। उसके अलावा आप सब कुछ ले जा सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है, कुछ चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी खाने पीने की, और मतलब हर चीज़ तो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है ना। बाकी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, प्लीज़ वाटर बॉटल कैरी करना मत भूलिए। अभी हम लोग निशान बाग में पहुंच चुके हैं मुगल गार्डन, और धूप इसमें यहाँ इतनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, अनलिमिटेड वाली धूप है। और क्योंकि हाइट पे हैं तो धूप थोड़ी तेज़ लगती है, गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है कहीं भी जाने की। अभी हम लोग घूम रहे हैं, से देखते हैं, हम है तो ब्यूटीफुल, लुक एट द फ्लावर्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं जो अंदर ही बिक रही हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। गर्मी है, अदरवाइज बहुत खूबसूरत है ये। इतने अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, टाइप्स ऑफ, सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आ गए, ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गर्मी बहुत है यार। प्लेन कोकोनट तो हमने खाया है, ये नींबू और इसमें मसाला है, गुड, एक्चुअली गुड, कुछ डिफरेंट है यार। हाँ, शायद यहाँ पे 45 के अराउंड टेम्परेचर है, और हमने पूछा यहाँ पे शॉपकीपर से कि भैया इतनी भीड़ क्यों है आज, संडे तो है मगर लोकल्स भी ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं कि और दिन के मुकाबले आज ठंड है। कैन यू इमेजिन,
ठंड। हमारा मुगल गार्डन या निशान बाग का टूर अच्छा था, बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। बैठे थे हम लोग क्योंकि धूप थी, वरना यहाँ पे है काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। अंदर फाउंटेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, पेड़ है। विजिट कर सकते हैं एक बार, टाइम बहुत लगता है। निशान बाग से फ्री होके हमारे पास टाइम था और हमने शाम बिताई अपनी डल लेक में, जो कि थी अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सूरज ढल रहा है और आपने डल लेक में अपनी शाम नहीं बिताई तो आपने कुछ नहीं किया कश्मीर में। तो हमें मिली थी ये बोट्स, अच्छी डेकोरेटेड बोट्स थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। तो हमने यहाँ पर बोटिंग करी थी। जस्ट हैव अ लुक। ऊंट की शेप में बनाया था। इसकी जो शेप बनी हुई है वो ऊंट की शेप का बना हुआ है, जो कि पीछे से मेरे भाई ने मुझे बताया। मम्मी ने उठा लिया ये ट्रेन में। वाटर लिली, डोंट बी सिली, दिन में खिली शाम को बंद। वाह वाह। रात के बज गए हैं 10 और अभी हम लोग हैं हम रुके हैं एक ढाबे पे यहाँ पर खाने के लिए, खाना खाने के लिए। और हमने कश्मीर डल झील आज कवर करी। हम नहीं रुके हाउस बोट में क्योंकि हमें मिली नहीं कोई, रीजनेबल प्राइस भी नहीं था और सारी फुल थी क्योंकि आज संडे है। उसके अलावा अभी हमने कंगन क्रॉस करा और हम खाना खा रहे हैं। आठ बजे लगभग सब कुछ बंद हो जाता है तो हमें ये ढाबा खुला मिला, खाना मिल गया हमें, ऑर्डर कर दिया हमने। तो खाते हैं और आगे जाते हैं, देखते हैं जहाँ पे हमें अच्छे होटल्स मिलेंगे हम वहाँ रुक जाएंगे। रात के बज गए हैं 12 और हम लोग अभी हैं सोनमर्ग में। तो सोनमर्ग में हमें अब तक होटल नहीं मिला था, एक्चुअली हमें 3-4 कमरे चाहिए एक साथ तो हमें वो मिले नहीं थे। फाइनली हमें एक होटल में 3 कमरे मिल चुके हैं इसमें, तो अब हम लोग इसमें चेक इन करने जा रहे हैं और फिर यहाँ से सुबह निकलेंगे हम लेके लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है बहुत तेज़ ठंडी वाली हवा, तो अब हम इसमें चेक इन करने जा रहे हैं। लेट हो रहे हैं। लद्दाख का ना ये एडवेंचर है जिससे बहुत मज़ा आता है, रुको रात को फिर सुबह चल दो, फिर रात को रुको सुबह चल दो, इससे बेस्ट नहीं है कुछ भी। बहुत ठंड है भाई।